हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पानिनी हुसैन। दोस्तों, देशवासियों से आह्वान किया गया है कि इस संकट की घड़ी को अवसर में बदल लिया जाए। निश्चित रूप से सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोविड-19 जैसे भयानक रोग से जब देश जूझ रहा हो, जब 70 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं, करोड़ों हमारे कामगार और मजदूर रोड पे हैं, ऐसे समय में उपदेश नहीं सहयोग की जरूरत है। आह्वान होते के साथ अवसर को संकट को अवसर में बदलने का आह्वान होते के साथ हमारे टीवी पर बैठे पूंजीपतियों के कर्मचारी, एंकर, डिजाइनर सूट बूट के साथ और गरीब जनता जो इस वक्त दाने दाने के लिए मोहताज है, जिस देश का मजदूर पैर में छाले और पेट में लाले के लिए रोड पे है, ऐसे समय में टीवी पर बैठ के कुछ उपदेश देने वाले डिजाइनर और उच्च कोटि का विदेशी कपड़ा पहनकर हमें स्वदेशी बनने का उपदेश दे रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त जरूरत है उपदेश नहीं सहयोग की जरूरत है। इस वक्त देश का 70 करोड़ इंसान भूख से मर रहा है और करोड़ों लोग रोड पे हैं, उनको सहयोग करने की जरूरत है। ये देश से जो आ रही तस्वीरें हैं, उसे देखकर दिल विचलित हो जाता है। बूढ़े बूढ़े मजदूरों के बूढ़े माँ बाप, छोटे छोटे मासूम बच्चे पैदल साइकिल पर अपने घर जाने के लिए मौत से बाजी लगाकर रोड पे हैं। किसी के पैर में छाले पड़ गए हैं तो कोई परसों पीड़ा से कराहता हुआ बच्चे को जन्म दे रहा है रोड के ऊपर, और बच्चे के जन्म के एक घंटे के बाद वो फिर अपने घर की तरफ रवाना होता है। थक हार के सोया मजदूर पटरी पर सोता है, उसे इतना एहसास नहीं हो पा रहा है अपनी थकावट की वजह से कि रेल आ रही है, और 16 लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे समय में उपदेश नहीं त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। धन है वो लोग, समाज सेवक लोग, देश के लोग जो आपस में इकट्ठा होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। इसे एक सिस्टम के तहत मजदूरों को खाना पहुंचाना होगा। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए, ना कि टीवी पर बैठ के स्वदेशी के लिए डिबेट कराने की। अभी आवश्यकता है हमारे गरीब मजदूर जो परेशान हाल है, जिनके हालत देखकर हर दिल रखने वाला विचलित हो रहा है। ऐसी स्थिति में ज़रूरत है कि त्वरित कार्रवाई प्रशासन और सरकार करे और उन लोगों को उनके सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश करे। जो जहां है वहां उसे भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद संकट को हम अवसर में बदलने के लिए खड़े हो पाएंगे। जय हिंद।